हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्लांटर रिफ्लेक्स एंड बेबिन्स की रिफ्लेक्स। तो प्लांटर रिफ्लेक्स या बेबिन्स की रिफ्लेक्स क्या होता है, इसे हम लोग ट्रिक से समझेंगे। नॉर्मल रिस्पॉन्स और एबनॉर्मल रिस्पॉन्स क्या होते हैं वो भी हम लोग समझेंगे। इसके क्या कारण होते हैं, प्रोसेस यानी इसकी स्टेप्स क्या होती है, कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है इस रिफ्लेक्स को, और सबसे लास्ट में जो है ANDSSB PGI जैसे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं और क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। प्लांटर एंड बेबिन्स की रिफ्लेक्स को चेक करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, तो एक चीज़ हो जिसे हम लोग बोलते हैं सोल स्ट्रोकर या सोल हैमर के नाम से इसको जाना जाता है, जिसको हम लोग जो है पैर के सोल के अंदर स्ट्राइक करते हैं। अब जैसे कि आप लोगों को ये डायग्राम्स दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छे डायग्राम्स नहीं है लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि एक पैर दिखाया मैंने, तो पैर का जो ये साइड हो गया ये सोल वाला साइड हो गया, ठीक है, और ये साइड हो गई डोर्सल साइड, ठीक है। तो सोल वाली साइड के अंदर जो होता है एक स्ट्राइकर से हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ अगर स्ट्राइक करते हैं तो यहाँ पर दो तरीके के रिस्पॉन्स जनरेट हो सकते हैं। अगर जनरेट हो रहा है कि सोल जो है आगे की तरफ जा रहा है, यानी बिग टो यानी पैर का जो अंगूठा है वो आगे की तरफ स्ट्राइक, जैसे स्ट्राइक करेंगे पैर का अंगूठा आगे की तरफ होगा ड्यू टू रिफ्लेक्स एक्टिविटी। तो अगर ये आगे की तरफ हो रहा है तो इस चूंकि सोल की तरफ या प्लांटर की तरफ हो रहा है इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं प्लांटर रिफ्लेक्स या प्लांटर फ्लेक्शन, यानी प्लांटर साइड में पैर क्या हो रहा है अपना फ्लेक्स हो रहा है, तो ये कंडीशन कहलाती है प्लांटर फ्लेक्शन या प्लांटर रिफ्लेक्स। दूसरा कंडीशन, अगर अपोजिट साइड में यानी ये बिग टो है वो कहाँ किधर जा रहा है, डोर्सल साइड की तरफ जो है अगर जाता है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डोर्सल फ्लेक्शन या फिर डोर्सी फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन ऑफ बिग टो, और इसी रिफ्लेक्स को हम लोग बोलते हैं बेबिन्स की रिफ्लेक्स, जिसके अंदर अपवर्ड यानी पैर ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है और इसमें जो पैर है वो किधर मूवमेंट हो रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट। इट मीन्स प्लांटर साइड में मूवमेंट हो रहा है मतलब प्लांटर रिफ्लेक्स, और डोर्सल साइड में मूवमेंट हो रहा है बिग टो का मतलब डोर्सी रिफ्लेक्स। तो ये दोनों कंडीशन होती है, ये हो गया प्लांटर रिफ्लेक्स और ये हो गया डोर्सी रिफ्लेक्स। अब ये चीज़ क्या है, अगर ऐसी कंडीशन है तो ये एडल्ट पर्सन के अंदर क्या है, नॉर्मल मानी जाती है, यानी बड़े लोगों के अंदर जो है ये, अगर बात करूँ यहाँ पर ग्रेटर देन 2 ईयर एज, अगर 2 साल से बड़े बच्चे या बड़ों के अंदर अगर चेक करें तो ऐसा रिस्पॉन्स है वो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर 2 साल से छोटे बच्चे यानी चाइल्ड लेस देन 2 ईयर, अगर बच्चे हैं 2 साल से छोटे हैं तो उसके अंदर जो है नॉर्मल रिस्पॉन्स माना जाता है डोर्सी फ्लेक्शन, लेकिन अगर अपोजिट हो रहा है इट मीन्स बड़ों के अंदर डोर्सी फ्लेक्शन या फिर बच्चों के अंदर प्लांटर फ्लेक्शन हो रहा है तो वो कंडीशन क्या होती है, एबनॉर्मल कंडीशन मानी जाती है, जिसको आगे हम लोग समझेंगे। तो ये दोनों होते हैं। अब इसको याद रखने की ट्रिक, जैसा ये बताया ट्रिक देखेंगे तो किस ट्रिक से याद रख सकते हैं, तो यहाँ पर एक ट्रिक है अपने पास BDPA, यानी BD होती है उसको PA, तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। बेबिन्स की रिफ्लेक्स में क्या होगा, डोर्सी फ्लेक्शन, और प्लांटर फ्लेक्शन किस में होगा, एडल्ट्स के अंदर। तो इस ट्रिक से हम लोग याद रख सकते हैं, यानी ये रिस्पॉन्स कैसा है, नॉर्मल। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग बता सकते हैं कि बच्चों के अंदर जो है बेबिन्स की रिफ्लेक्स, बी से बच्चे, बी से बेबिन्स की कैसा होगा, डोर्सी फ्लेक्शन, ए से एडल्ट्स यानी 2 साल से बड़े बच्चे उसमें कैसा होना चाहिए, प्लांटर फ्लेक्शन होना चाहिए। तो ये कंडीशन नॉर्मल है, लेकिन अगर उल्टा होता है तो वो एबनॉर्मल कंडीशन को इंडिकेट करता है। अब हम बात करेंगे नॉर्मल रिस्पॉन्स, एबनॉर्मल रिस्पॉन्स एंड कॉजेज की, क्या कारण होता है कि बेबिन्स की रिफ्लेक्स जो है जनरेट होता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो बेबिन्स की रिफ्लेक्स है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था बेबिन्स की रिफ्लेक्स जो होता है 2 साल से छोटे बच्चे के अंदर अगर फर्मली हम लोग स्ट्रोक करेंगे तो जो है बिग टो का डोर्सीफ्लेक्शन होगा, जो बड़ा अंगूठा होता है पैर का वो पीछे की तरफ डोर्सीफ्लेक्शन होता है, तो ये डोर्सीफ्लेक्शन ही क्या कहलाता है, बेबिन्स की रिफ्लेक्स। लेकिन 2 साल के बाद में क्या होता है, प्लांटर की तरफ फ्लेक्शन जो है नॉर्मल कंडीशन मानी जाती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है कि बेबिन्स की रिफ्लेक्स कब तक रहता है, 2 साल तक नॉर्मल माना जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कब डिसअपियर होता है तो आपको आंसर देना है 1 ईयर की एज के बाद ये डिसअपियर हो जाता है, लेकिन अगर 2 साल तक भी ये रिफ्लेक्स प्रेजेंट है बच्चे में तो वो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। लेकिन 2 साल के बाद में अगर ये प्रेजेंट है, 2 साल के बाद कैसा रिफ्लेक्स आना चाहिए, प्लांटर रिफ्लेक्स आना चाहिए, लेकिन 2 साल के बाद भी अगर बेबिन्स की रिफ्लेक्स प्रेजेंट है तो वो एबनॉर्मल कंडीशन समझी जाती है। नेक्स्ट, इसका क्या कारण है कि बच्चे के अंदर जो है बेबिन्स की रिफ्लेक्स होता है जबकि बड़े में नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है प्लांटर रिस्पॉन्स, लेकिन बच्चे में क्या कारण है कि डोर्सीफ्लेक्शन होता है, तो उसका कारण होता है इनकम्प्लीट माइलिनेशन ऑफ कॉर्टिको स्पाइनल
अपर मोटर न्यूरॉन, जिन्हें हम लोग जो है पिरामिडल न्यूरॉन बोलते हैं, जो कि अपने कॉर्टेक्स और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो न्यूरॉन्स होते हैं उन्हें अपर मोटर न्यूरॉन्स कहा जाता है, जो कि मोटर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उन न्यूरॉन्स के अंदर जो है माइलिनेशन यानी माइलिन सीट जो होती है न्यूरॉन की, वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। इस वजह से ये रिस्पॉन्स जो है 2 साल से छोटे बच्चे के अंदर मिलता है, लेकिन 2 साल के बाद में माइलिनेशन कंप्लीट हो जाता है तो नॉर्मल रिस्पॉन्स वहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन 2 साल से छोटा बच्चा है तो वहाँ पर जो है बिग टो पीछे की तरफ में जाएगा, तो वो कहलाता है अपने पास डेविन्स्की रिफ्लेक्स। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट आ गए अपने पास, पहला तो कि कब डिसअपियर होता है, आंसर देना है 1 ईयर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कब तक नॉर्मल समझा जाता है बेबिन्स्की रिफ्लेक्स या फिर डोर्सीफ्लेक्शन, कब तक समझा जाता है नॉर्मल, अप टू 2 ईयर यानी 2 साल तक के बच्चे में इसको नॉर्मल कंसिडर कर। लेकिन अगर आपसे कारण पूछा जाए कि बेबिन्स्की रिस्पॉन्स या रिफ्लेक्स का क्या कारण है, तो आपको आंसर क्या देना है, इनकम्प्लीट माइलिनेशन ऑफ अपर मोटर न्यूरोन या कोर्टिको स्पाइनल न्यूरोन, जिसे हम लोग जो है पिरामिडल न्यूरोन के नाम से भी जानते हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए कि 2 साल की उम्र के बाद भी बेबिन्स्की रिफ्लेक्स प्रेजेंट है बच्चे में, यानी 2 साल के बाद प्लांटर रिफ्लेक्स होना चाहिए, लेकिन 2 साल के बाद भी यही रिस्पॉन्स बच्चे के अंदर प्रेजेंट है, यानी स्ट्रोक को फर्मली स्ट्रोक करेंगे तो बिग टो जो है अपर साइड में जा रहा है 2 साल के बाद, तो उसका क्या कारण है? तो उसके कारण हो सकते हैं बच्चे में हेड इंजरी, ट्यूमर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एक डिजीज होती है जिसमें CNS के न्यूरॉन्स का डीमाइलिनेशन हो जाता है, देन स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो जाए, या फिर डीमाइलिनेशन डिसऑर्डर्स हो जाए कोई भी ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से। तो इन सभी कंडीशंस के अंदर जो है बेबिन्स्की रिफ्लेक्स आफ्टर 2 ईयर भी क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, तो ये कंडीशन मानी जाती है एबनॉर्मल कंडीशन। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है प्लांटर रिस्पॉन्स, लेकिन 2 साल से छोटे बच्चे में नॉर्मल किसे समझेंगे हम, डोर्सीफ्लेक्शन को, पीछे की तरफ में हो रहा है, और 2 साल के बाद भी अगर ये रिस्पॉन्स प्रेजेंट है, इट मीन्स इनमें से कोई डिसऑर्डर उसको प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पर अपने पास 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट निकल करके आगे, कब डिसअपियर होता है, नॉर्मल कब तक समझा जाता है, और क्या कारण होता है बेबिन्स्की रिफ्लेक्स का, 2 साल के बाद भी है इसका मतलब क्या है, उसको डीमाइलिनेशन डिसऑर्डर है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या हेड इंजरी या हेड ट्यूमर उसको, ब्रेन ट्यूमर उसको हो सकता है। तो अब स्टूडेंट अगर आप लोगों को ये टॉपिक, आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है, तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर जो है कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। अगर आप लोग इनके सही आंसर देते हैं, इट मीन्स आपको टॉपिक समझ में आ रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज नॉर्मल रिस्पॉन्स इन अ 20 ईयर बॉय व्हेन सोल ऑफ द फुट इज स्ट्राइकिंग विद ब्लंट ऑब्जेक्ट, यानी सोल यानी पैर का अगर ये फुट है, इसको अगर किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से अगर स्ट्राइक किया जाता है, तो बच्चे के अंदर जो है 20 साल का जो लड़का है उसके अंदर नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या होगा। ESIC में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उसमें क्या डोर्सीफ्लेक्शन होगा, क्या प्लांटर फ्लेक्शन होगा, क्या इन्वर्जन होगा, क्या विड्रॉल होगा, इनमें से चारों में से कौन सा राइट होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि बेबिन्स्की रिफ्लेक्स डिसअपियर आफ्टर एज ऑफ, बेबिन्स्की रिफ्लेक्स पूछा जाता है कि कितनी एज के बाद में जो है नॉर्मली डिसअपियर हो जाता है, क्या 6 महीने पे, क्या 1 साल पे, 2 साल पे या 3 साल में। तीसरा क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन जो है ऋषिकेश के अंदर आया हुआ है कि रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपको, चारों पढ़ने आपको। पहला स्टेटमेंट है कि चाइल्ड 2 साल से बड़ा है, बेबिन्स्की साइन इंडिकेट CNS एबनॉर्मलिटी, यानी अगर 2 साल से बड़े बच्चे में बेबिन्स्की साइन है तो क्या वो एबनॉर्मल है, तो ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, बेबिन्स्की साइन अकर्स ड्यू टू इनकम्प्लीट माइलिनेशन, यानी बेबिन्स्की साइन किसकी वजह से हो रहा है, क्या इनकम्प्लीट माइलिनेशन की वजह से हो रहा है और ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन, क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है कि बेबिन्स्की साइन सीन ओनली चाइल्ड लेस देन 6 मंथ, यानी 6 महीने से छोटे बच्चे में ही क्या बेबिन्स्की साइन दिखता है, क्या ये स्टेटमेंट सही है। अगला, डोर्सीफ्लेक्शन ऑफ बिग टो इज बेबिन्स्की साइन, यानी पैर का जो बड़ा अंगूठा होता है उसमें अगर डोर्सीफ्लेक्शन हो रहा है तो वो क्या बेबिन्स्की साइन है। तो ये 4 स्टेटमेंट है, इनमें से आपसे पूछा जाएगा कि क्या ओनली 1 एंड 2 स्टेटमेंट करेक्ट, क्या ओनली 1, 2 एंड 4 स्टेटमेंट करेक्ट, क्या फिर ओनली 1 एंड 4 करेक्ट, और सबसे लास्ट में ऑल आर करेक्ट। तो आपको बताना है कि इनमें से इन चारों ऑप्शन में से क्या इसका आंसर होगा। इस तरीके का क्वेश्चन जो है ऋषिकेश के अंदर पूछे जाते हैं। तीनों क्वेश्चंस के आंसर जो है कमेंट बॉक्स के अंदर ट्राई करें इनका आंसर देने की। तो आज का टॉपिक अगर कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना ताकि रेगुलर वीडियो अपडेट्स आप तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।